नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 BHK इंटीरियर की, जो हमने कहा है कंसील्ड में, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम बात करते हैं स्टार्टिंग, तो आपको वीडियो के स्टार्ट करते हैं अपने मेन डोर से। मेन डोर पर हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक आपका 304 SS का डोर लगाया हुआ है और इसकी हमने ये पैनलिंग कर दी है। पैनलिंग के साथ साथ ऊपर जो हमने पैनमेंट निकाला हुआ है, इसमें दो स्पॉट लाइट और एक यहाँ पर एक लाइट यहाँ पर लगा दी है। तो चलते हैं अंदर फ्लैट की तरफ। ये हमारा बिल्डर प्रोवाइडेड डोर है जिसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। जैसे ही हम हॉल में आते हैं तो ये हमारा यहाँ पर टीवी पैनल लगा हुआ है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, नीचे चार ड्रोर दी हुई है और ये जो आपका जो टीवी पैनल है इसमें हमने लूवर्स और ये पैलमेट जो डीको के हमने डीको फिट की हुई है। इसमें लैंप का कोई काम नहीं है, हाई ग्लो सॉफ्टी फिनिश है और ऊपर ये फैंसी लाइट लगा दी है और इस तरफ 18 इंची का चारों तरफ हमने पट्टा दिया हुआ है। इसमें हमने लाइट लगा दी और एक यहाँ पर सैनिटाइजर लगा दिया है। बात करते हैं इस पार्ट की, इस पार्ट पे हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है अपना, यहाँ पर हमने शोकेस बना दिया था आपका आर्टिफैक्ट वगैरह रखने के लिए और यहाँ पर दो पिलर लगा दिया। इधर आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी, डाइनिंग में भी हमने वही सेम आपका 18 इंची का पट्टा चारों तरफ और उसमें लाइट लगा दी है और सामने यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर हमने ट्रॉफी बनाई हुई है। नीचे आपका नॉर्मल स्टोरेज है इस तरह से और आपका ये ऊपर ग्लास की शटर लगा दी है इसमें और यहाँ पर भी ग्लास की शटर है। बात करते हैं किचन की, किचन में चलते हैं। किचन में अगर हम बात करें तो किचन में जो ओवरऑल लुक जो आता है वो इस तरह से आता है। ऊपर हमने व्हाइट और नीचे बेज कलर लगाया हुआ है जिसमें कि हमने गोल्डन कलर की प्रोफाइल लगाई हुई है। हैंडललेस किचन है ये, हमारा हैवी स्टोरेज के लिए है। आप यहाँ पर पेंट्री भी बना सकते हो। अंदर से बात करें तो स्टोरेज कुछ इस तरह से है, इस तरह से अंदर की स्टोरेज है, मतलब आप काफी हैवी सामान रख सकते हो इसमें। और यहाँ पर हमने ड्रॉर बनाई हुई है। बात करते हैं किचन की, किचन में हमने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने चिमनी लगाई है। चिमनी के आसपास में दो अपने ग्लास के शटर और यहाँ पर ये लोअर शटर लगाए हुए हैं। तो आपका जो पैलमेट देख रहे हो ऊपर भी हमने बेज कलर लगाया हुआ है और इसमें स्पॉट लाइट काट दी है। और बास्केट की बात करें, बास्केट हमने यहाँ पर 5 बास्केट दिए हैं जैसे कि हम सभी फ्लैट में देते हैं। ये हमने यहाँ पर 4 इंची प्लेन बास्केट लगाई हुई है, ये यहाँ पर कट लगी है और यहाँ पर हमने थाली लगाई हुई है और नीचे ये एक प्लेन बास्केट यहाँ पर लगा दिया। 5वीं बास्केट हमने यहाँ पर बीपीओ लगाया है इस तरह से और यहाँ पर ये अपना कॉर्नर का पंखा आ जाता है जिसमें आप काफी बड़ा सामान रख सकते हो इस तरह से। उसकी बात करते हैं दोस्तों, हमने किचन की टाइल्स हमने यहाँ पर चेंज हुई है और किचन में हमने यहाँ पर आपका प्रोफाइल लाइट लगाई है जिससे क्या होता है कि आपके प्लेटफॉर्म पर लाइट रहेगी, रोशनी रहेगी तो आपको मतलब काम करने में थोड़ा सा उजाला रहेगा, तो काम करने में इजी हो जाएगा। और ऊपर भी आपका ऊपर हमने व्हाइट कलर दिया हुआ है। चलते हैं आपका यहाँ पर बात करते हैं, ये फॉयल एरिया लग रहा है। यहाँ पर फॉयल एरिया में हमने क्या किया है, यहाँ पर जाली लगा दी है, CNC जाली कटिंग। और बात करते हैं डोर की, डोर पे हमने डोर रिनोवेट किए हुए हैं, इसमें हमने टी कलर और ये गोल्डन कलर की प्रोफाइल लगा दी है इस तरह से। तो पहले बात करते हैं इस रूम की, इस रूम में हमने क्या किया हुआ है, ये आपकी जो वॉल है ये वाली वॉल हाईलाइट कर दी है टी दीवार एक कलर की और ये अलग कलर की हुआ है। इसमें हमने दो लैंप यहाँ पर लगा दिए हैं, ये अपनी साइड टेबल आ जाएगी इधर और इधर हमने ये ड्रेसिंग बनाया हुआ है। ड्रेसिंग में बात करते हैं हमने यहाँ पर गिलास लगा दिया है, नीचे दो ड्रोर है और अंदर ये स्टोरेज के लिए यहाँ पर इस तरह से सेक्शन आपको डिवाइड कर दिए। बात करते हैं वार्डरोब की, वार्डरोब पे हमने ये आपका थोड़ा ग्रे कलर लगाया हुआ है मैट फिनिश है और यहाँ पर ये गोल्डन कलर के हैंडल लगा दिए हैं। अंदर के सेक्शन की बात करते हैं, अंदर का जो सेक्शन है इस तरह से, यहाँ पर हमारा ये हैंगिंग स्पेस आ जाएगा, ये फोल्डेबल सेल्फ है, अगर आपको हैंग करना है तो आप इसको हटा करके हैंग कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर ये दो डोर दी हुई है इस तरह से और इस पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया है। हैंगिंग का जो हैंगिंग वाले कपड़े हैं जो हैंग करने के लिए होते हैं वो आप यहाँ पर हैंग कर सकते हो, जो कपड़े आपने फोल्ड करके रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फोल्ड करके रख सकते हो। नीचे वाला आप इसको पार्ट पर बड़ा सामान रखना है तो हटा सकते हैं,
मतलब आपका छोटा सा वाला दो भागों में डिवाइड कर दिया इस पार्ट को, और ऊपर ये हमने नॉर्मल लोफ बनाई हुई है इस तरह से। तो चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम में आपको दिखाया जाए, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। सेम ही हमने यहाँ पर क्या हुआ, तीन दीवार आपकी एक कलर की और ये वाली सॉरी दीवार को यहाँ पर बोर्ड आपका बेड का जो हेड बोर्ड आएगा वो हमने अलग कलर की हुई है। दो आपके लैंप लगा दिए हैं रोशनी थोड़ा सा फ्लैट में यहाँ पर थोड़ी कम होने के कारण हमने यहाँ पर ये लाइट बीच में लगा दिया। और बात करते हैं इस वार्डरोब की, वार्डरोब यहाँ पर क्या काफी बड़ी वार्डरोब थी तो हमने ये कुछ यहाँ पर दो नॉर्मल सेट वाली वार्डरोब बनाई हुई है। इस तरह से आप यहाँ पर ये हैंगिंग स्पेस रहेगा आपका, ये आपकी दो लगा रखते हैं यहाँ पर, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसमें बीच में पार्टीशन डाल दिया, आप मतलब सेपरेट सामान अलग अलग रख सकते हो इसमें। और नीचे ये एक ड्रॉअर है यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपना लगेज वगैरह बैग वगैरह रख सकते हो। और इधर की बात करते हैं, पहले हम इसमें कलर की बात कर लेते हैं। हमने इसमें दो कलर यूज किए हुए हैं, एक आपका एक ग्रे कलर है और आपका व्हाइट कलर है। हमने जो यहाँ पर जो हैंडल यूज किए हुए हैं एक रेलिक्स के साथ, जो कि यहाँ पर माइका है उसी माइका के हमने हैंडल यहाँ पर यूज किया है, व्हाइट माइका के साथ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। यहाँ पर जो ग्रे माइका है वो एक बीच में इस तरह से पट्टी दे दी है जहाँ पर आपके हैंडल आएंगे। और इसमें क्या करवाया हमने, ये सिल्वर कलर की टी प्रोफाइल डाल दिया। तो बात करते हैं स्लाइडिंग वार्डरोब की, और स्लाइडिंग वार्डरोब कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये हमारा हैंगिंग स्पेस है, एज इट इज ये हमारा फोल्डेबल सेल्फ है, यहाँ पर एक ड्रॉअर और नीचे एक फोल्डेबल सेल्फ, तो बड़ा सामान रखने के लिए आप इसको हटा सकते हो हैंगिंग करने के लिए। और यहाँ पर कुछ बड़ा सामान रखना है तो आप इसको हटाकर बड़ा सामान रख सकते हो। इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो इस वाले पार्ट में हमने इक्वल साइज के सेल्फ यहाँ पर डाल दिए हैं, और यहाँ पर हमारा ये आपका ड्रेसिंग आ जाता है यहाँ पर, इसमें अंदर स्टोरेज के लिए है, और जो मिरर अभी इसमें बाकी मिरर यहाँ पर पूरा यहाँ पर मिरर आ जाएगा। तो और इसी हमने यहाँ पर एक टीवी पैनल बनाया है सेम जो अलमारी है उसी से कंट्रास्ट किया हुआ है टीवी पैनल को। यहाँ पर हमने बेसिक और ऊपर एक सेल दे दिया है और आपका यहाँ पर टीवी आ जाएगा। बेसिकली ये हमारा किड्स रूम है, किड्स रूम में हमने यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर आपका तीन कलर की माइक लगाई हुई है, एक आपका ब्लू कलर रहता है, एक व्हाइट और एक आपका लाइट ग्रीन। तो हमने यहाँ पर ये हटका पैटर्न दिया हुआ है, इसमें हमने क्या किया हुआ है अंदर से एलईडी यहाँ पर एक स्पेस और वही सेम हमने यहाँ पर फोल्डेबल सेल रखा हुआ है, दो ड्रॉअर दी हुई है यहाँ पर, और इस पार्ट को इक्वल साइड में डिवाइड करते हैं जहां पर आप अपने फोल्डेबल फोल्ड करके कपड़े रख सकते हो, और नीचे दो डोर दी हुई है इसमें, ये डोर इसमें अपने शू अपने शूज भी रख सकते हो आप, इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पर है लॉफ्ट आ जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते रहेंगे इसी नए वीडियो इसी ही तरह नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।